की बड़ी और अहम खबर का खरगोश से आ रही है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु की बहन ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रमिला साधो ने ली सदस्यता। सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे मौजूद। तो बता दें, यहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रही विजयलक्ष्मी साधो की बहन जो है, उन्होंने प्रमिला साधो ने कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। जेपी नड्डा की उपस्थिति में प्रमिला साधो ने बीजेपी का हाथ थामा है। चुनावी साल है, जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को हथियाने में, दल बदलने में कोशिश कर रही है, उसी तरफ से अब कांग्रेस के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि 2023 के चुनाव के पहले जोड़ तोड़ की राजनीति जो है शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में प्रमिला साधो ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सबको बता दें, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो की बहन प्रमिला साधो ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कमलनाथ सरकार में मंत्री थी विजयलक्ष्मी साधो और उनकी जो बहन है प्रमिला साधो, उन्होंने जेपी नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस को यहां पर एक बड़ा झटका लगते हुए देखा जा सकता है कि जो उनकी पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधु की बहन प्रमिला साधु ने बीजेपी का दामन थाम लिया है।